कराची पुलिस ने सहाफी के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। इंशाल्लाह कातिल को कानून के मुताबिक सजा भी दिलवाई जाएगी। वजीर इत्तला सिंध की जानिब से कहा गया, इस केस में पुलिस की काविशें काबिल तहसीन हैं। इसी तरह सिंध पुलिस पर अवाम के एतमाद में इजाफा होगा। कराची पुलिस ने सहाफी के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम अशरफ को गिरफ्तार कर लिया है और इंशाल्लाह कातिल को कानून के मुताबिक सजा भी दिलवाई जाएगी। इसी हवाले से तफसीला जानेंगे असलम खान, ब्यूरो चीफ कराची से। जी बताइएगा, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? वजीर अतलास सिंह सईद गनी से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अथर मतीन के कत्ल में मुलव्वस एक मरकजी और एक अहम मुलजिम अशरफ को गिरफ्तार किया गया है। और जो जराए बताते हैं कि सिंध बलूचिस्तान सरहद पर यह कार्रवाई की गई थी, इंटेलिजेंस बुनियादों पर यह कार्रवाई की गई जिसमें यह मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। कराची पुलिस के जो हुकाम है उनसे भी हमारी जब बात हुई तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश भी इससे की जा रही है और उसके बाद तफसीलात सामने आएंगी। तहम वजीर इतला सिंह ने तस्दीक भी कर दी, उन्होंने उसका ट्वीट भी किया। जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि कानून के मुताबिक इस मुलजिम को सजा दिलाई जाएगी। ये साफी बिरादरी से एक वादा किया गया था कि इस केस की भरपूर तौर पर काबिश की जाएगी और उसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा। सईद गनी साहब ने कहा कि कराची पुलिस ने जाँ बिछाने से काम किया और उस अहम कत्ल में हाई प्रोफाइल केस में जो मुलजिम मुलव्वस था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची पुलिस चीफ भी इस बात की भी तस्दीक की उन्होंने और अभी मजीद इसमें इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है जिसके बाद मजीद हकायक भी सामने आ सकेंगे और तफसीलात भी आएंगी सामने। मजीद इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया असलम खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।